हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीपी। तो आज का जो मेकओवर वीडियो है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली होने वाला है। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो या तो पुरानी है या तो डीआईवाई है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लोकल शॉप से कुछ कर्टन के फैब्रिक लेके आई हूँ। ये शेयर कर्टन के फैब्रिक्स हैं। तो मुझे ये था कि अगर मैं स्टिच करने देती तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते एंड मुझे बहुत ही सिंपल स्टिचिंग चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही सिल लूँ। अगर वो मुझसे चार्ज करते तो मुझे लगता है 300-400 रुपये वो मुझे पर कर्टन चार्ज करते, जहाँ पर मेरे पैसे बच गए हैं एंड सिर्फ 700 रुपये में मेरे 3 कर्टन्स रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको इस तरीके से पॉकेट बना करके ऊपर नीचे की तरफ स्टिच कर दिया है एंड मेरा कर्टन रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट आइडिया है वो है कि यहाँ पे ये जो सिंपल कुशन कवर्स हैं ये भी मैं लोकल से लाई हूँ, बट मैंने सर्च किया ये अमेज़न पे अवेलेबल है। तो बेसिकली ये जूट कुशन कवर है एंड इसी के ऊपर मैं कुछ DIYs आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ फेल्ट फैब्रिक्स ले लिए हैं। तो ये मेरे पास पहले से थे। ये जो रेड वाला है ये तो 6-7 साल पुराना है एंड ग्रीन वाला मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेस किया था कुछ और बनाने के लिए, बट फिर मुझे ये आइडिया आया तो मुझे था कि चलो इसको ही बनाते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर का अगर ये फेल्ट होता और डार्क ग्रीन कलर का होता तो वो जो मेरा कुशन कवर है वो और भी खूबसूरत लगता, बट मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसी से बनाया है। मैंने कुछ नया परचेज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैंने चॉक यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए। तो जो भी डिज़ाइन पैटर्न आपको चाहिए आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर का ऊन लिया है एंड उससे मैंने बैक स्टिच करते हुए पूरी आउटलाइन बना ली है। उसके बाद जो मैंने ये पेटल्स कट किए थे इनको इस तरीके से हमको इकट्ठा करना है एंड इसको इसी तरीके से हमको सिक्योर कर लेना है। तो बेस की तरफ हम सुई धागे की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी ग्लू वगैरह का यूज़ नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि कुशन कवर्स हैं रफली यूज़ होंगे एंड ऐसा ना हो जाए कि कोई गेस्ट आए हैं एंड ये निकल के गिरने लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू का यूज़ नहीं किया है, मैंने सुई धागे का ही यूज़ किया है। तो कुशन कवर पे सारे फूल और जो पत्ते थे उनको हमने स्टिच कर दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऊन ले लिए हैं एंड उससे मैं बना लूँगी 5 कलर के टैसल्स एंड उसके बाद इन सारे टैसल्स को सिंपली हमको कुशन कवर के ऊपर इस तरीके से सिक्योर कर लेना है एंड ऊपर एक रनिंग स्टिच हमको बनानी है सो दैट कि वो एक धागे के सिरे से लटकता हुआ एक टैसल लगे। बस जो भी शेड्स मैंने बनाए थे उसी शेड से मैंने यहाँ पे उन सबको स्टिच कर दिया है और बस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी है इसको बनाना एंड बहुत ही क्लासी लग रहा है ये डेकोरेट करने के बाद। थर्ड आइडिया के लिए यहाँ पे ये मेरे पास कुछ कतरन थे कपड़े के। मैंने एक्चुअली लाया था ये कपड़ा किसी और काम से और मैंने इससे अपने लिए एक फ्रॉक स्टिच कर लिया। फर्स्ट टाइम मुझे ट्राई करना था तो वो भी मैंने कर लिया, बट हाँ उसका ट्यूटोरियल नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं खुद ही सीख रही थी तो आपके साथ क्या ही शेयर करूँ। उसके बाद मैंने ये सारे जो ट्रायंगल्स थे उनको कट कर लिया है। अब जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो ये था तो मैंने इनको ही यूज़ किया है। उसके बाद इनको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें रिंकल्स रहेंगे तो वो आपको उतना ही प्रॉब्लम करेंगे स्टिच करने में। उसके बाद जो एजेस हैं इनको भी हम अंदर की तरफ थोड़ा फोल्ड करेंगे एंड उसे भी प्रेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक अगेन लाइन ड्रॉ की है एंड बैक स्टिच यूज़ करते हुए एक लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है, बट इसकी ज़रूरत मुझे बाद में लगी नहीं क्योंकि इसके ऊपर ही मैंने जो ट्रायंगल्स थे उनको स्टिच कर दिया था तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं थे। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वो लाइन स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कच्ची सिलाई कर दी थी सो दैट कि जो मेरे ट्रायंगल्स हैं वो मूव ना करें एंड फिनिशिंग अच्छी आए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो साड़ी में फॉल लगाते समय जो हम स्टिच यूज़ करते हैं ना उसको हेम कहते हैं, हेमिंग कहते हैं, तो वो करके मैंने इन सबको स्टिच कर दिया है। बाद में कच्ची सिलाई हमने निकाल दी एंड हमारा कुशन रेडी हो चुका है। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखा है, मैंने 4 डिफरेंट कलर के मैंने टैसल्स बना लिए हैं एंड चारों कॉर्नर्स को मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद जो हमने प्रीवियस आइडिया शेयर किया था ट्रायंगल का उसकी जगह पे अब हम एक स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो ये भी एक वेस्ट फैब्रिक था मेरे पास, किसी कुर्ते का ही जो स्लीव्स वगैरह होते हैं ना वही है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था तो इसको ही मैंने यहाँ पर कट करके यूज़ किया है। स्क्वायर शेप में हम इसको कट कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको यहाँ पर
सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। कच्ची सिलाई से हम इसको सिक्योर कर लेंगे सो दैट कि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर मूव नहीं करेगा। उसके बाद हेम करते हुए हम इसको ओवरऑल सिक्योर कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मुझे था कि बीच में एक मैंने यहाँ पे पॉम पॉम भी स्टिच कर दिया है। अच्छे से इसको भी हमको स्टिच करना है सो दैट कि वॉश करते समय इसके धागे ना निकले। उसके बाद लास्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस क्रॉस क्रॉस किए हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद पिंक कलर के ऊन से मैंने रनिंग स्टिच की है। बेसिकली मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं एंड उसी को हम रनिंग स्टिच की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने इसको। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी अपने की हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो कुशन कवर्स हैं वो क्लासी भी लगेंगे एंड सस्टेनेबल भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ DIY किया, एक दो दिन अच्छा लग रहा है, उसके बाद वो गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने सारे कुशन कवर बिल्कुल मार्केट जैसा बनाया है, बिल्कुल प्रोफेशनल काम मैंने यहाँ पे किया है सो दैट कि फाइनल लुक जो है वो अच्छा आए एंड साथ में ये टिके भी। अब चलिए फटाफट से मेकओवर कर लेते हैं। जो DIY था वो तो हमने कर लिया। अब बेसिकली क्या होता है ना, मेकओवर करते करते ना हमारे ना घर की एक डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो दो तीन महीने में एक मेकओवर एक्चुअली में सबको करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार आप नई चीज़ें खरीदें, बस बेडरूम से निकाल के लिविंग रूम में सजा दीजिए कर्टन्स एंड कुशन कवर्स, और लिविंग रूम के जो कर्टन्स हैं उनको बेडरूम में लगा दीजिए, दूसरे रूम में लगा दीजिए। तो शफल करने से क्या होता है ना, आपके पूरे घर को एक फ्रेश लुक मिल जाता है एंड आपको भी फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो वाइट कर्टन्स थे उनको लगा दिया है एंड उसके आगे मैंने येलो कर्टन्स को पेयर किया है। अब ये जो सोफ़ा है इसके ऊपर जो कवर है ये मैंने लोकल से फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। जाते समय मैं बिल्कुल लेके जाने वाली हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे छोड़ के जाने वाली हूँ, मेरे को अगले स्टेशन में भी काम आने वाला है ये, तो इसलिए मैं इसको लेके जाऊँगी। एंड ये पुराना मेरे पास येलो कलर का मैंने थ्रो बनाया था देहरादून के टाइम पर, जिसके टैसल्स भी निकल गए थे, बट फिर मैंने उनको फिक्स कर दिया था एंड बस सिंपली यहाँ पर इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पुरानी हैं। ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पर लैम्प लिया था एंड ये एक क्रोशिया का जो फ्लावर है ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो अपने लिए भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो पुरानी ही हैं। अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ। ये क्यूट से बुद्धा मैंने टेंगा वैली से लिया था। टेंगा गई थी मैं एक बार तो वहाँ पे एक लोकल मार्केट है, वहाँ से मैं लेके आई थी ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी मिलती हैं। लास्ट मेकओवर में मैंने आपके साथ ये सेंटर टेबल DIY शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो सेंटर टेबल को मैंने बस छोटी छोटी चीज़ों से ही डेकोरेट किया है, एक रियल मनी प्लांट रखा है, एक फेक फ्लावर मैंने यहाँ पे रखा है एंड बस हमारा सेंटर टेबल रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई छोटा सा जेन कॉर्नर बनाना था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ जो बुद्धा आइडल्स थे उनको रखा है एंड कुछ रियल प्लांट्स कुछ फेक प्लांट्स के साथ मैंने इसको यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। अब उसके साइड में एक बुक शेल्फ थी जहाँ पे मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था ये जोकर DIY जो कि मैंने एक फ्यूज्ड LED बल्ब से बनाया था। उसके बाद ये लैम्प भी मेरा ही DIY है एंड ये जो क्यूट क्यूट मॉन्क्स हैं ये भी मैंने टेंगा वैली से ही लिया था एंड वही चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नया नहीं लिया है। एंड ये भी मैंने लास्ट ईयर आपके साथ DIY इसका शेयर किया था। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना कैक्टस वाले फ्लावर वाज, ये मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। उसके बाद ये एक लैम्प भी मैं वहीं से लेके आई थी, बट इसके अंदर फेरी लाइट मैंने अलग से लगाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। कोई भी सीज़न हो मैं इसको नहीं हटाती, ये मेरे पूरे साल डेकोरेटेड रहता है। उसके बाद ये एक मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से ही है मेरे पास आई गेस, लेकिन ये फ्लावर्स मैंने नहीं लिए हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी पहले की हैं तो मैं लिंक्स सारे सर्च करूंगी, जिसके जिसके मुझे मिल जाएंगे उनके लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए मेकओवर तो हो गया है, अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। Tell me what's wrong and why you never
heard you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look.